Okay, so I welcome all of you in today's video. So this is the first lecture of retrosynthesis analysis. सबसे पहले हम retrosynthesis के बारे में जान लेते हैं कि retrosynthesis असल में है क्या. It is the mentally breakdown of a molecule into its starting material. So कोई भी अगर starting organic compound है हमारे पास, तो उसे हमें अपने दिमाग से जितनी भी हमारी organic chemistry की knowledge है उसको ध्यान में रखते हुए उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना है, सो दैट वी कैन सिंथेसाइज दैट मॉलिक्यूल इन अवर लैब. ओके, स्टार्टिंग मटेरियल्स मस्ट बी अवेलेबल इन अवर लैब. ओके, सो मेंटली ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecule into simple starting material. Okay, this is retrosynthesis. Simple synthesis में हम we have reactants and we reach to product. But in retrosynthesis case, अब जब असल में हम सब reactions को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी organic chemistry हम सब चीज़ों को synthesis के लिए पढ़ रहे हैं. But the challenge chemists have is they have the final structure of the molecule. Suppose कोई भी natural product है और वो उसकी बहुत अच्छी property है. Suppose that compound is anti-cancer agent or anti-malarial activity, it can show any type of activity. And the chemists have the final structure of the product. It is a natural product, so naturally हमें जहाँ से वो molecule मिला है उसका हमें final product पता है. Chemists को final product पता है. तो अब उनको स्टार्टिंग मटेरियल का पता लगाना है. ठीक है, तो दिस इज दी नोन एज रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस. ओके, नाउ सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर. सपोज वी हैव ए मॉलिक्यूल लाइक यस दिस मॉलिक्यूल. ओके, सो दिस इज अवर फाइनल मॉलिक्यूल विच वी हैव टू सिंथेसाइज. तो इस मॉलिक्यूल को तो हमें सिंथेसाइज करना है, बट आप किन मॉलिक्यूल्स को यूज करोगे कि आपको ये प्रोडक्ट मिले. सो बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉलेज यू विल से दैट वी कैन यूज दैट ए बेंजिल अल्कोहल प्लस से एसिड क्लोराइड. ओके, तो जितनी अगर आप रेट्रोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो मींस मैं मान के चल सकता हूँ कि आप एक एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी जब एक अल्कोहल एक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. ओके, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. तो बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ योर ऑर्गेनिक नॉलेज यू कैन डू रेट्रोसिंथेसिस. ओके, नाउ देर आर समथिंग सम कॉन्सेप्ट्स इन रेट्रोसिंथेसिस जो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सिंपल सिंथेसिस, इन सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वी हैव रिएक्टेंट सपोज ए प्लस बी एंड वी गेट प्रोडक्ट. ओके, पी प्रोडक्ट एंड वी यूज this type of arrow in our organic reactions. But in retrosynthesis case, we have the product. We have this product in our hand. So in retrosynthesis, we call that a our target molecule. Suppose if again I will take same example and this one. So ये तो हमें synthesize करना है ये molecule. तो ये हमारा क्या हुआ? Target molecule. So this one is our target molecule. Because we are doing the retrosynthesis, so जो बॉन्ड हमने ब्रेक करना है, सपोज वी विल मेड दिस बॉन्ड इन अवर सिंथेसिस, सो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, सो देयरफॉर वी यूज दिस विगी लाइन बिटवीन दिस सी ओ बॉन्ड. ओके, एंड वी यूज दिस टाइप ऑफ एरो इन रेट्रोसिंथेसिस. तो ये वाला जो एरो है वो स्पेसिफिकली रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस के लिए है. बिकॉज वी आर ब्रेकिंग सी ओ बॉन्ड, सो वी विल राइट सी ओ. ओके, सो वी आर डिसोसिएटिंग सी ओ बॉन्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग. तो हम इमेजिन करेंगे कि मेरे ऑक्सीजन यहाँ पर जो ये बेंजिल अल्कोहल मॉलिक्यूल है इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एंड दिस कार्बनिल मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज. सो दीज आर सम इमेजिनरी इक्विवेलेंट और आई विल से दैट आइडियलाइज्ड रिएजेंट्स. ओके, ये कोई चार्ज नहीं है, बट हम केमिस्ट इमेजिन करते हैं कि वाइल डूइंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन मस्ट हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बनिल कार्बन मस्ट हैव ए पॉजिटिव चार्ज. So in these reagents or these are known as
सिंथोन्स, ओके, तो इनको हम सिंथोन्स बोलते हैं, ओके, और कोरस्पोंडिंग इन सिंथोन्स के कोरस्पोंडिंग जो सिंथेटिक जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं उनको हम सिंथेटिक इक्वलेंट ऑफ दो सिंथोन्स बोलते हैं। सपोज इस एनायन के लिए वी विल यूज दिस अल्कोहल एंड फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल वी विल यूज ए एसिड क्लोराइड, ओके, सो दीज आर सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ सिंथोन्स, ओके, सो हमारे पास इमेजिनरी सिंथोन्स थे, उनके कोरस्पोंडिंग जो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे इन रियल रिएक्शन दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ओके, एंड द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर वी आर विच वी विल डू सिंथेसिस विच हू सिंथेसिस वी विल डू इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल। ऑल्सो इन रेट्रोसिंथेसिस द स्टार्टिंग मटीरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीकर्सर्स, प्रीकर्सर दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीकर्सर, ओके, दिस इज सिंथोन्स एंड दिस इज द रेट्रोसिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस एरो, ओके, and this wiggy line which we use for disconnection here we are showing that it is a disconnection, it is a disconnection, so yahi main funda hai retrosynthesis ka, to itna itna moti mota jankari aapko ye hona chahiye, okay, now okay, to aapko abhi tak retrosynthesis ki basic knowledge to thoda thoda idea lag gaya hoga ki retrosynthesis asal mein चैप्टर किस बारे में है, ओके, तो हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को दोबारा से देख लेते हैं। सो इन रेट्रोसिंथेसिस टीएम और टारगेट मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूल दैट वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज, ओके, जिसकी सिंथेसिस हमें करनी है वो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, और रेट्रोसिंथेसिस में हमारे पास सिर्फ टारगेट मॉलिक्यूल का ही स्ट्रक्चर होता है। सो After seeing the structure of target molecule, we have to predict that how do we synthesize this target molecule from simple precursors. Okay. The second thing we have seen is arrow. Okay. So arrow का ध्यान रखना है. Arrow we use in retrosynthesis is this arrow. Okay. Third thing is synthones. Okay, I have explained the synthones above to you. And reagents or starting material or precursors, so ये कुछ terms हैं जो retrosynthesis analysis chapter में आपको मेनली यही सब टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग हैं और कुछ न्यू टर्म्स हैं। ओके, नाउ अब रेट्रोसिंथेसिस कोई भी गैस वर्क नहीं है कि हम कहीं से भी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर दें और सोचें कि भाई यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं और फिर वी विल सिंथेसाइज दैट मॉलिक्यूल। सो ऑलवेज ब्रेक द बॉन्ड विच गिव्स यू ए रिलायबल रिएक्शन। ओके, सपोज लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, सपोज I say to you that you have to synthesize this olefine, okay, this alkene. Now, one may know that how many methods in organic chemistry have in which this C double bond C is formed. अगर आपने Carothers book पढ़ी है तो Carothers book का chapter number 2 है making C double bond C, okay. अगर आपने वो chapter बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत से तरह से C double bond C बना सकते हैं, but the one of the very used reaction in organic is the Wittig reaction, okay, simply I will say that I will use a Wittig reaction. In a Wittig reaction I must use a ketone like this and a corresponding halide, phosphorus halide, this one, okay, this halide, and this halide further can be made from this halide can further be made from if we have a PPS3 and a suppose chlorine here, okay, by using these two molecules we can made this halide, and this halide on reaction with this particular ketone gives us this product. So agar hame reactions ka pata hoga tabhi to hum koi bhi disconnection kar payenge, okay,
Now suppose let's take another example. You have this molecule. कोई भी एक अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट होगा वो दिस मॉलिक्यूल को देखते ही उसको पता होगा दैट आई विल सिंथेसाइज दिस मॉलिक्यूल यूजिंग डिविसल्डर रिएक्शन. ओके सो यहाँ पे हम रेट्रो डिविसल्डर रिएक्शन करेंगे. सो वी कैन हैव आवर स्टार्टिंग मटेरियल एज दिस डाइन एंड दिस डाइनोपाइल. ओके तो माय बेसिक मोटो टू शो यू दिस टू एग्जांपल्स इज दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी रेट्रोसिंथेसिस कोई भी एक गैस वर्क नहीं है कि कोई भी रिएक्शन गैस करेगा और कहीं से भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर देगा. ऑलवेज ब्रेक द बॉन्ड विच गिव्स यू रिलायबल रिएक्शन. ओके ओके तो रिलायबल रिएक्शन बोलने का मेरा मतलब ये है कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. आई हैव this molecule, so I have to synthesize this molecule. So I have two choices. Everyone will think in different way. Suppose if I break from here or I will break from here. Suppose if I am following path A, then you will say that the corresponding synthones is this one and oxygen and positive charge. Now you can think that अगर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो हाउ डिफिकल्ट टू मेक दिस टारगेट मोलिक्यूल बाई यूजिंग दिस टू सिंथोन्स. ओके सो दैट्स वाई दिस ए पाथ इज नॉट फेवरेबल. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द पाथ बी वी गेट द कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन्स समथिंग लाइक दिस ऑक्सीजन हैव दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस सी ओ ओ एच हैव पॉजिटिव चार्ज. So these are the corresponding synthones. अब आप देखिए कि इन synthone की help से इस target molecules को synthesize करना quite easy है. Okay. So therefore these synthones are good and the synthetic equivalent. The synthetic equivalent for these synthones must be कुछ भी हो सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स. तो लाइक आई विल यूज ए फिनोल. हम कुछ एक फिनोल मॉलिक्यूल यूज करते हैं एंड ए बेस. बेस तो जरूरी होगा ना. बेस विल एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एंड देन दिस ऑक्सीजन व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन द अदर इलेक्ट्रोफाइल. ओके एंड इस सिंथोन के कोरस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मे बी लाइक सपोज वी हैड ए क्लोरीन एट दिस साइट. Then also this position has positive charge. Suppose we have bromine at this alpha position to this COH. Then also it is very good. If suppose we have a OTS group, that is also fine. Okay. So corresponding to this particular synthones, we have many synthetic equivalents. We can use whichever we want in our reaction to synthesize our target molecule. Okay. So also. Also, we cannot use this A disconnection. Okay, this is not good disconnection. So that's the main purpose. I am saying that always use the disconnection which gives you reliable reactions. Also, मैं आपको एक चीज पहले बताना भूल गया. In retrosynthesis, the bond which we are breaking, always we write that thing on the arrow. Suppose we are breaking, suppose we have a target molecule and we are doing retrosynthesis of our target molecule, and suppose we are breaking a CC bond in our target molecule, then generally we write CC on the arrow because we are disconnecting this CC bond. Suppose we are breaking a CN bond, then we write CN above this arrow, or CS or CO, like this type of things we always mention on the arrow. And now I will tell you some other things in retrosynthesis which generally we use, which are FGI. That is functional group interchange. Okay, and another thing FGA, that means functional group addition. Okay. Now we will see two examples from FGI and FGA. Let's suppose
what is happening. Let's suppose we have a molecule. OMe here and CH2, like suppose we have a this molecule, this is benzocyanine. Okay, this is a local anesthetic compound, it is a local anesthetic compound. अब ये मेरे को सिंथेसाइज करना है. ओके, नाउ वी हैव टू सिंथेसाइज दिस मॉलिक्यूल, सो दिस इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल. नाउ केमिस्ट हैव द प्रॉब्लम दैट हाउ डू दे डू द रेट्रोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, तो हम पहले देखेंगे कि हम इसकी रेट्रोसिंथेसिस किस तरह से करें. सिंस वी सी एस्टर बॉन्ड हेयर, सो वी कैन थिंक दैट वी विल यूज ए बेंजोइक एसिड एट दिस साइड एंड ए अल्कोहल एट दिस साइड. देयरफॉर there is a possibility of if we break a bond from here which we can easily made, so we do the retrosynthesis and we write CO because we are breaking a CO bond, and the corresponding synthetic equivalent we have is this one and this one. Okay, ethanol. By using this ethanol and acid by esterification reaction we can easily made this molecule. Now, sorry, I have written something wrong here. There is no NMB here. Here is a NH2 group. Okay, so here a NH2 group. Now, we have to think of that how do we synthesize this molecule. So we have to think of the retrosynthesis of this particular molecule. Now we do FGI, functional group interconversion. That means we change this NH2 into NO2 because we cannot directly add a NH2 on a benzene ring. Therefore, we must change it to NO2 group, and then that NO2 we can add on a benzene ring by using nitration reaction. So here we are using FGI, functional group interchange. Now we have NO2 here and a COH here. Okay. And further, if we do again FGI, this COH can be made from CH3. So, also before doing that, we can also break this CN bond like this. If we do retrosynthesis here, we must left with this COH, and then this COH on FGI will give us this toluene molecule. So starting from this toluene, we can make our target molecule. तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम toluene से start करके अपने target molecule तक पहुँचते हैं. तो मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कभी रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई है, क्योंकि दिन में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया. मुझे बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन ही नहीं की थी. ओके, नाउ बैक टू अवर टॉपिक. सो वी हैव स्टार्टिंग मटेरियल एज टोलिन. ओके, एंड वी नो दैट बाय यूजिंग KMnO4 KMnO4 oxidation, we can change this CH3 into COOH, and then nitration HNO3 H2SO4 nitration reaction, we get paranitrobenzoic acid. Okay, paranitrobenzoic acid. Then we will reduce this NO2 because we directly cannot get NH2 on the benzene ring. Now we use H2 AD charcoal, that will give us this thing. Okay, and then we use this ethanol, that will give us our target molecule. Okay, this is a esterification
एस्टेरिसिस रेस्पिरेशन रिएक्शन। ओके स्पेलिंग मेरी बहुत बेकार है यार। सो इन दिस वे वी गेट अवर टारगेट मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम एफजीआई और फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज को यूज कर सकते हैं टू चेंज वन फंक्शनल ग्रुप इनटू द अनदर। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल इन विच वी यूज एफजीए दैट इज फंक्शनल ग्रुप एडिशन। ओके फंक्शनल ग्रुप एडिशन। नाउ सपोज वी हैव द मॉलिक्यूल, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और हमें इसकी सिंथेसिस करनी है। ओके सो इट इज वेरी हार्ड टू ऐड दिस मॉइटी ऑन द बेंजीन रिंग। ओके सो वी विल फर्स्ट डू एफ जी ए। सो विदाउट, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वी ऐड ए फंक्शनल ग्रुप बाय आवर चॉइस। ओके सो यहाँ पे हमने खुद से एक फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया इस पोजिशन पे। एंड नाउ वी कैन ब्रेक दिस बॉन्ड एंड यूज फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन टू मेक दिस मॉलिक्यूल। ओके सो दिस इज सी सी ब्रेकिंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल, दीज आर अवर स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग रिएजेंट्स। ओके सो इन दिस वे वी कैन यूज फंक्शनल ग्रुप एडिशन। सो नाउ फ्रॉम दीज टू स्टार्टिंग मटेरियल्स बाई यूजिंग फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन AlCl3 वी गेट दिस मॉलिक्यूल एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड टू दिस, वी कैन रिड्यूस दिस कार्बोनिल टू CH2 बाई यूजिंग सपोज वोल्फ किसनर रिडक्शन, वोल्फ किसनर रिडक्शन और क्लिम्सन रिएक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन। ओके सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट, हमने पहले फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया देन वी कैन डू द रेट्रोसिंथेसिस। तो इस तरह से हमने बेंजीन और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से हमने इस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया। सो दीज आर टू टर्म्स एफ जी आई एंड एफ जी ए। आपको शायद कुछ आइडिया लगा होगा कि एफ जी आई और एफ जी ए क्या है। चलिए एक बहुत ही और बढ़िया एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव OCH3 एंड दिस थिंग हियर। ओके सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और हमें इसकी रेट्रोसिंथेसिस करनी है। तो आप सोचिए पहले तो किस तरह से आप रेट्रोसिंथेसिस, किस तरह से आप इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके सो वी विल ऑलवेज थिंक दैट वी विल ब्रेक दिस सी सी बॉन्ड फ्रॉम हेयर एंड यूजिंग दी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइल एसाइलेशन रिएक्शन वी कैन सिंथेसाइज दिस थिंग। ओके ऑल्सो वन अदर अनदर थिंग इज दैट कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन्स आर दिस वन। सो इस एम कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन्स आर दिस वन। सो फ्रॉम दीज टू स्टार्टिंग मटेरियल्स वी कैन यूज फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ओके एंड जनरेट अवर टारगेट मॉलिक्यूल दिस वन। बट देर इज अनदर सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर सिंथोन। सपोज इफ वी यूज कोरस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेयर एम जी बी आर एंड दिस ओ एम ई एंड हेयर दिस एसिड क्लोराइड, देन ऑल्सो वी कैन गेट अवर टारगेट मॉलिक्यूल इन दिस ऑल्सो। दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन फ्रॉम हेयर अटैक एट दिस साइट एंड गिव्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन दिस वे एवरी सिंथोन, दैट डजेंट मीन दैट ए सिंथोन हैव ओनली वन सिंथेटिक इक्विवेलेंट, वन सिंथोन मे हैव मैनी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ओके सो इन एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज ट्राई टू एड दैट मॉलिक्यूल फर्स्ट विच हेल्प इन एडिशन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है सपोज आपके पास COCH3 एंड दिस मॉलिक्यूल। ओके तो आपके पास ये मॉलिक्यूल है सो यू हैव टू डू द रेट्रोसिंथेसिस। पहले रेट्रोसिंथेसिस आप यहाँ से इस डिसकनेक्शन को करें और इसको करें। सपोज दिस इज पाथ ए एंड दिस इज पाथ बी। ओके
ओके चलो सपोज पहले हम पाथे की बात करते हैं. सो दिस वाली डिस्कनेक्शन की बात करते हैं. सो वी हैव कोरस्पॉन्डिंग सिंथोम्स, दिस वन दिस वन. ओके सपोज इफ यू टॉक अबाउट द डिस्कनेक्शन बी, द कोरस्पॉन्डिंग सिंथोम्स वी हैव दिस वन. ओके तो अगर आप इन दोनों डिस्कनेक्शन में देखें, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज फ्रीडनक्राफ्ट रिएक्शन इन दिस सिंथेसिस प्रोसेस, तो इस और इस सिंथोन से वी हैव टू सिंथेसाइज दिस टारगेट मॉलिक्यूल, सो वी मस्ट यूज द फ्रीडनक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. बट यू सी दिस इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दैट विल हेल्प दिस बेंजीन रिंग टू एक्ट एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, दैट्स वाई दिस विल अटैक मोर इजिली ऑन दिस कार्बन. बट ऑन द अदर हैंड इन दिस केस यू सी दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विच मेक्स इट पुअर न्यूक्लियोफाइल. और कहने का मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट मीन्स दैट इज नॉट ईजी फॉर द बेंजीन रिंग टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन एट दिस सेंटर. देर फोर ऑलवेज डू दी रेट्रोसिंथेसिस फर्स्ट, दैट गिव्स मोर रिएक्टिव कंपाउंड. अगर आप ये पहले रेट्रोसिंथेसिस करेंगे देन ओनली दिस बेंजीन विल अटैक इजिली. ऑन द अदर हैंड अगर हम ये वाली रेट्रोसिंथेसिस बी रेट्रोसिंथेसिस अगर पहले करते हैं, तो इस केस में बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है दैट डज नॉट अलाउ दिस बेंजीन रिंग टू अटैक एट दिस सिंथोन. ओके तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. देयरफॉर इस एग्जांपल में इस एग्जांपल की सिंथेसिस क्या बनेगी, वी हैव दिस बेंजीन रिंग एंड फर्स्ट वी हैव दिस बी आर सपोज एंड ए एल सी एल थ्री एंड फ्रीडनक्राफ्ट इस है एल्काइलेशन. ओके एंड वी गेट दिस मॉलिक्यूल एंड आफ्टर दैट बिकॉज इट इज नाउ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट विल इजिली रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल एंड गिव दिस एसाइलेशन फ्रीडनक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एंड वी गेट अवर टारगेट मॉलिक्यूल. तो हमेशा पहले रेट्रोसिंथेसिस बड़े ध्यान से करनी है. अगर सपोज हम पहले रेट्रोसिंथेसिस मॉलिक्यूल बी कर देते देन आफ्टर फॉर्मिंग दिस मॉलिक्यूल इट इज वेरी हार्ड टू गेट दिस टारगेट मॉलिक्यूल. नाउ सपोज इफ यू हैव टू एड ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट इन ए बेंजीन रिंग देन इट इज ऑलवेज सेड दैट एड पैरा फर्स्ट. ओके सपोज लेट डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. यू हैव दिस बेंजीन रिंग एंड यू हैव ए ओ एस सी एस थ्री एंड ए सी एल एंड दिस नाइट्रो ग्रुप हेयर. नाउ यू हैव टू डिस टू डू मेक नाउ यू हैव टू मेक दिस टारगेट मॉलिक्यूल फ्रॉम मिथॉक्सी बेंजीन. ओके तो एक तो डिस्कनेक्शन आप ये कर सकते हैं, सेकेंड ये कर सकते हैं. सपोज दिस वन इज ए दिस वन इज बी. सो सपोज आप फर्स्ट बी को डिस्कनेक्ट करते हैं. सपोज यू डिस्कनेक्ट दिस बी फर्स्ट देन यू हैव दिस सी एल एंड ओ सी एस थ्री एंड देन यू डिस्कनेक्ट दिस वन. आप एक दिस स्टार्टिंग मटेरियल से इस स्टार्टिंग मटेरियल से आप इस टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचे बाय यूजिंग दिस वन. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट दिस बी फर्स्ट. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज सपोज इफ यू डू दी सिंथेसिस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम दिस यू कैन यूज दिस रिएक्शन क्लोरीनेशन रिएक्शन इन विच CH2 HCl एंड ZnCl2 यूज एंड यू इंट्रोड्यूस ए CH2Cl एट ऑर्थो पोजिशन. बट देन फॉर एडिंग ए नाइट्रो ग्रुप एट पैरा पोजिशन यू विल यूज HNO3 एंड H2SO4. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स. ओके दे विल चेंज दी CH2Cl इंटू COOH. तो हमें कोई भी डिस्कनेक्शन इस तरह से नहीं करनी है कि हमारे जो फाइनल स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो पिछले फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दे. देयर फॉर
in this case, we first disconnect this A disconnection, okay, and we have this nitro group here and OCH3 here. Then now we will disconnect this CN bond. Again we have the same CH, same starting material. Now from here to here we use nitration, we do nitration reaction and we get a para nitro product, and from here to here we use this reagents and we get a CH2Cl at ortho position. So कोई भी disconnection करने से पहले always think of the that which reagents we are going to use in final product. अगर final reaction के reagents अगर हमारे पहले functional group को reduce या change कर देंगे तो उस चीज़ को कोई फायदा नहीं है. Always keep in mind that thing. So इस lecture में हमने retrosynthesis की बिल्कुल basic knowledge ली है कि what actually retrosynthesis is. So this is lecture 1. And in upcoming lectures, we will see CO or CX disconnection. And then in the upcoming lectures, we will see two group disconnection. So this is the very introduction lecture of this retrosynthesis. I will cover the whole retrosynthesis on YouTube. If you are liking, please like and share with your friends. Thank you.